बोम योंग डोनी पोलो बोम्य रोंग डोनी पोलो आज मैं एक हमारा अरुणाचल प्रदेश में नामसाई जिला से बोल रहा हूँ हम लोग जब पढ़ते थे तो धोनी पोलो धोनी पोलो आसमान से तो बोलो ये जो किताबें थे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग इतना समझ नहीं पाते थे लेकिन आज जब समझ गया तो ये जो पाठ्यक्रम था ये कविता था, था वही गायब हो गया देखो भारत का संस्कृति परंपराएं पेट आस्थाएँ सिविलाइजेशन के नाम पर अपना धर्म संस्कृति का पुस्तक कार्यक्रम को ही गायब कर दे, दे, देना ये एक दुख की विषय है मैं चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री मैं चाहता हूँ वो तुरा ये दोनी का बारे में या अपना अरुणाचल का संस्कृति परंपरा का बारे में इस भी में जुड़ना चाहिए और बचपन से ही लोग अच्छा अच्छा से सी इसको सीख पाए आज इसी के कमी के कारण आज हमारा संस्कृति परंपरा के लुप्त हो रहा है कई ऐसे अज्ञान के कारण सेपा में जो इन इंसिडेंट हुआ इसी अज्ञान त्याग के कारण हुआ है तो मैं चाहता हूँ अरुणाचल के जब अरुणाचल और मतलब दौप का नाम से है तो इसमें हर पूरा हमारा सी बी एस ई बोर्ड तक हमारा संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का लोगों को ग्लोबलाइजेशन करने के लिए कोशिश करना चाहिए था लेकिन आ, क्यों इसको बंद किया वो तो एक विचार करने का विषय है फिर भी हम अपना अच्छा से इसको प्रिजर्व करना है लोग कहेगा एक ही चीज़ को क्यों पढ़ते रहेगा एक ही चीज़ को में ही बहुत कुछ गुण है आप दोनों पोलों का बारे में आप कौतुम नहीं कर सकते इसका ज्ञान इतना बड़ा है एक सागर है हम एक बुन बुन को जानने की कोशिश कर रहा है इसलिए हम एक एक बुन ही से ही इसको पुनः हमारा आने वाला पीढ़ी को अच्छा से इसको पढ़ाना है अच्छा से इसको बताना है इसमें और अच्छा कुछ कभी लेकिन वाला जो पिलो पी पीलो, पीलो है सीनियर सिटीजन है अरुणाचल की अच्छा अच्छा बुद्धिजीवी है इससे अच्छा अच्छा वर्ष मश्रा करके अच्छा अच्छा बात को निकाल के समाज को आने वाला पीढ़ी को अच्छा अच्छा चीज़ को बताने का वक्त है हर कोई अपना संस्कृति परंपरा को प्रिजर्व करके ग्लोबलाइजेशन कर रहा है हर हम अपना चीज़ को ही भूलने में मिटाने में लगा है तो दो होता है कुछ बातें कहने के लिए लेकिन सत्य है सत्य को तो कहना पड़ेगा तो इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ लोग मिस गाइड कुछ लोग डोई पोलो का नाम से भी ऐसा अलग एंगल से देखने लगता है क्योंकि हम नहीं तो दो पोलो है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है हमारा डोई पोलो का बारे में बहुत लोग बहुत एंगल से बहुत पूजा करता है कोई पूर्णिमा के रूप में पूजा करता है कोई गुरु पूर्णिमा का कोई बुद्ध पूर्णिमा के रूप में कोई अलग अलग एंगुल से शर्त पूजा ऐसा है अपना अपना संस्कृति परंपरा है लेकिन हम अपना ही पोलों को तो हम कोई भी कुछ भी तर्क वितर्क करे कर सकता है इसमें कोई अपवाद कोई लोग ज्ञान के कारण कुछ लालस कार्य कारण कोई कुछ बोल देता है लेकिन हम अपना चीज़ को जितना हो सके आगे बढ़ाना है जानना सही इसको गहराई तक हमारे फोर पाडर आबूटानी ने अपना भगवान अपना बिलीव्स अपना संस्कृति में धोनी को जुड़ा है इसका वो हमारा जड़ है जो चीज जड़ नहीं होता है ना वो कहीं भी चला जाता है कहीं भी गिर जाएगा कहीं वो आगे अच्छा फूल अच्छा आ, फल फूल साया नहीं दे नहीं दे सकता जिसका जड़ नहीं है हमारा जड़ तो धोनी दोन, पोलो है हमारा संस्कृति परंपरा है हमारा भाषा है ये हमारा जड़ है इसलिए हम जड़ को मजबूत करना है जानना है कोशिश करना है दो तो तीन बार सोचना है ऐसे लोग हमको बहुत कुछ ऐसे बोल देता है लेकिन ठीक है ये भी आपका ब्लेसिंग है मैं इसको आपका ब्लेसिंग का रूप में मैं स्वीकार कर करता हूँ आपका राय दे कहने के लिए आ, कुछ आपका एंगुल से आप दिया है लेकिन हम अपने एंगुल से इसको ब्लेसिंग मान के आशीर्वाद मान के स्वीकार करता हूँ और ऐसे डिबेट करना चाहिए कुल के बोलना चाहिए और सत्य को राखना चाहिए जैसे कोलगे बोते ताम रबू ने एक होली बक्स दोनी पोलो अंगुन बदां अंगुन मतलब जो प्रकाश की एक रास्ता एक राह जैसे सत्यास प्रकाश सत्य का प्रकाश करने से इसी प्रकार से लोग सिविलाइजेशन हो रहा है अच्छा अच्छा चीज को प्रिजर्व कर रहा है जो मॉडिफाई करना है जो इसको करेक्शन करना है कर रहा है लेकिन अपना दोनी पोलो का जो इसको जड़ है हमारा अबूटानी का इसको थोड़ा गहराई में जाना है वैज्ञानिकता में जाना है इसको ग्लोबलाइजेशन करना है इसको जानने का प्रयास करना है ये शोर शोरुवाद है हम एक इंसान हैं तो कहीं ना कहीं तुरतिया हो सकता है इसमें सभी अपना बाय समझ कर माफ करते और करेक्शन करके आगे बढ़ाना है इसी शब्द के साथ सभी को नमस्ते प्रणाम धन्यवाद बमयरूंग टोनी पोलो जय अरुणाशल